एक और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 1 नवंबर से ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू करेगी। 1 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस अभियान का आगाज करेंगे। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SMS कर पहले सदस्य बनेंगे, इसके बाद अमित शाह दूसरे सदस्य होंगे। गौरतलब है कि हर 6 साल में बीजेपी के हर सदस्य को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना पड़ता है। इससे पहले परंपरागत तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जाता था, सदस्यता लेने के लिए लोगों को फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब SMS और ईमेल के जरिए लोग बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। 1 नवंबर को इसके लिए एक नंबर उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर SMS किया जा सकेगा और उसके बाद आप बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। यानी सब कुछ पार्टी में हाईटेक होता जा रहा है और पार्टी को ऐसा लग भी रहा है कि शायद लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है उस पर और इसीलिए इतना जमकर लोगों के बीच जाने की कोशिश और लोगों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश। सीधे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1 नवंबर से एक नया कैंपेन शुरू हो रहा है पार्टी की सदस्यता को लेकर। मोदी सबसे पहले सदस्यता रिन्यू करेंगे, उसके बाद अमित शाह होंगे और इस कैंपेन का मकसद, इस कैंपेन की सोच यह है, हर 6 महीने में सदस्यता का जो नवीनीकरण होता है उसको लेकर इसका मकसद सीधे तौर पर यह है कि अब SMS और ईमेल के जरिए, बल्कि वेबसाइट ईमेल के जरिए आप बीजेपी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, पूरी खबर बताएं। देखिए, बीजेपी 1 नवंबर से अपना सदस्य अभियान शुरू कर रही है। निशान, मैं आपको बता दूं कि हर 6 साल में पार्टी के जितने प्राइमरी मेंबर हैं सबको अपनी सदस्यता रिन्यू करवानी पड़ती है, उसी कड़ी का हिस्सा है। तो आने वाले वर्ष को इन्होंने सदस्यता वर्ष के रूप में घोषित किया है और शुरुआत की जाएगी 1 नवंबर को। इसमें पारंपरिक तरीके से जो फॉर्म भरवाकर सदस्यता होती थी उसके साथ साथ एक और होगा कि इस बार ऑनलाइन भी सदस्यता होगी, मोबाइल पर SMS करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि 1 तारीख को अमित शाह दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहला SMS आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मेंबरशिप ड्राइव में सबसे पहले सदस्य के रूप में ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसका दूसरे सदस्य बनने की बारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की होगी। 3 वर्कशॉप होंगे राष्ट्रीय स्तर के, एक बैंगलोर में, एक कलकत्ता में, एक दिल्ली में। उसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी 2 तारीख से 10 तारीख तक वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी दी जा सके। नवंबर से लेकर मार्च तक ये पूरा सदस्यता अभियान जारी रहेगा और पार्टी इस बात को भुनाने में लगी है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जो पार्टी